नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme C63 मोबाइल में आप किस तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर सकते हो, यानी कि फिंगरप्रिंट सेटिंग कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके फ़ोन की जो सेटिंग होती है इसको ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिल जाएगा डिवाइस अनलॉक, इस पर जाना है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल रहा है फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। न्यूमेरिक या अल्फा मेरिक या पैटर्न किसी भी एक पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पैटर्न पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पैटर्न रखना है। तो पैटर्न पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपके सामने एक पैटर्न डालने के लिए आ जाएगा, तो पैटर्न डाल करके फिर से कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद आपको ये बता रहा है कि अपनी फिंगर को स्कैन करवा लीजिए। तो यहाँ पर आपको अपनी साइड बटन पर जो फिंगरप्रिंट दिया गया है इसको अच्छे से स्कैन करवाना है। जितना ही अच्छे से आप स्कैन करवा लेंगे उतना ही फास्ट आपका फिंगरप्रिंट वर्क करेगा। तो डन आ चुका है, डन करेंगे। अभी आपका फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये लॉक हो गया और ये अनलॉक हो गया, यानी कि फिंगर सही ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर सकते हैं।